चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। पीसी सिंह पर ईडी का शिकंजा, पूर्व बिशप पीसी सिंह पर एक और एफआईआर आपको बताने होने जा रही है। फेमा के बाद ईडी ने दर्ज किया है एक और मुकदमा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू से मिले सबूतों के आधार पर हवाला का मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ। पूर्व बिशप के ठिकानों से 2 करोड़ रुपए मिले थे जब जांच पड़ताल हुई थी। ईडी की छापेमारी में यहाँ पर तमाम सबूत भी उस दौरान बरामद हुए थे। कई घंटों तक ईडी की छापेमार कार्रवाई यहाँ पर चलती रही थी। हालांकि कई रिश्तेदारों से भी पूछताछ होती रही थी। कई जगह ऐसी थी जहाँ पर जो संपत्ति है वो अवैध तरीके से यहाँ पर बनाई गई थी। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर शिकंजा एक और कसा है। पूर्व बिशप के ठिकानों से 2 करोड़ रुपए मिले। अब इस पूरे मामले में एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। तो लगातार मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं पूर्व बिशप बीसी सिंह। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। तो ईओडब्ल्यू से मिले सबूतों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व बिशप के ठिकानों से 2 करोड़ रुपए भी मिले थे। तो एफआईआर पूर्व बिशप पीसी सिंह पर दर्ज हो गई है। फेमा के बाद ईडी ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया। तो एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने जमानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन वो भी फिलहाल खारिज कर दी गई थी। आपको बता दें वहीं दूसरी तरफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, मुश्किलों में जा रहे हैं पूर्व बिशप पीसी सिंह। और इसके अलावा एक और मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। हवाला का मुकदमा, चूंकि सबूत जो मिले हैं उसके आधार पर हवाला का मुकदमा दर्ज हुआ। पूर्व बिशप के ठिकानों से 2 करोड़ रुपए भी पहले मिल चुके हैं। तो ईडी ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। ईडी ने हवाला का मुकदमा दर्ज किया है। छापे में 2 करोड़ रुपए भी पहले बरामद किए जा चुके हैं। क्योंकि लगातार कार्रवाई कई दिनों तक ये चलती रही थी, कई घंटों तक कार्रवाई चलती रही थी और अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई थी, जहां पर ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो पहुंची हुई थी। और उसके बाद शिकंजा कसना शुरू हो गया था। अवैध संपत्ति और अवैध जमीन और साथ ही साथ तमाम चीज़ें बरामद हुई, तमाम सबूत उस दौरान बरामद कर लिए गए, जिसके बाद शिकंजा कसना शुरू हुआ पूर्व बिशप पीसी सिंह पर। और ये आपको बता रहे हैं खबर, चूँकि ये बड़ी खबर सामने आ रही है, चूँकि एक और शिकंजा कसा। हालांकि उन्होंने याचिका ज़रूर लगाई थी यहाँ पर हाईकोर्ट में कि बच जाएंगे वो, लेकिन फिलहाल उनकी जो याचिका है उसको भी खारिज कर दिया गया।